पहलवानों पर एक्शन से नाराज रेसलिंग का सबसे बड़ा संगठन यूनाइटेड वॉल्ट रेसलिंग ने 45 दिन में नहीं हुए चुनाव तो भारतीय कुश्ती महासंघ को किया जा सकता है सस्पेंड। यूनाइटेड वॉल्ट रेसलिंग संघ से सस्पेंड हुआ भारतीय कुश्ती संघ तो फिर भारतीय ध्वज के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के मैच नहीं खेल पाएंगे खिलाड़ी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग संघ ने की पहलवानों के साथ हो रहे व्यवहार की निंदा, भारत से निष्पक्ष जांच की अपील की गई। अपने मेडल्स गंगा में बहाने के लिए हर के पैड़ी पहुंचे थे पहलवान के साथ नेता नरेश टिकैत ने समझाया, उसके बाद सरकार को 5 दिनों का अल्टीमेटम, नरेश टिकैत अब राष्ट्रपति को सौंपेंगे पदक। मुजफ्फरनगर में इकट्ठा होंगे खाप नेता, पहलवानों को लेकर पंचायत में तय होगी आगे की रणनीति। मणिपुर हिंसा से नाराज ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू समेत 11 खिलाड़ियों ने गृहमंत्री को लिखा खत, कहा हालात सामान्य नहीं हुए तो लौटा देंगे अवार्ड और मेडल। खत लिखने वालों में मीराबाई चानू के अलावा वेटलिफ्टर कुंजा रानी देवी, बीम बीम देवी, एल सरिता देवी शामिल। कुंजा देवी ने अपने संदेश में कहा कि हमें शांति चाहिए, सब कुछ ले लो बस शांति दे दो। खिलाड़ियों ने गृहमंत्री को लिखे खत में अपनी 8 मांगे रखी, जल्द से जल्द हाईवे खुलवाने की मांग की, आसमान छूने लगे हैं जरूरी सामानों की कीमतें। आज मणिपुर में गृहमंत्री अमित शाह का 3रा दिन, इम्फाल में करेंगे सुरक्षा समीक्षा बैठक, सेना और पुलिस के अधिकारियों को शांति भंग करने वालों पर सख्ती से निपटने की हिदायत। पुलिस अधिकारियों के अलावा समाजसेवियों से अमित शाह की मुलाकात, कहा मणिपुर में शांति पूर्ण हालात केंद्र की प्राथमिकताएं हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल का जश्न, आज अजमेर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, 23 साल बाद पुष्कर के ब्रह्म मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद, रैली में प्रधानमंत्री संपर्क से समर्थन अभियान की शुरुआत करेंगे। उद्धव गुट के बयान से गरमाई महाराष्ट्र के सियासत, विनायक राउत ने किया शिंदे खेमे में नाराजगी का दावा। विनायक राउत ने कहा कि शिंदे गुट के 22 विधायक और 9 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में। विनायक राउत के बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा पूरे उद्धव गुट में भारी असंतोष, पार्टी छोड़ने की फिराक में तमाम नेता। मुंबई के एक मॉडल ने तनवीर नाम के शख्स पर लगाया लव जिहाद का आरोप, कहा तनवीर ने यश नाम से दोस्ती की और उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बना। बिहार की रहने वाली है मॉडल मानवी राज, रांची में मॉडलिंग एजेंसी चलाता है आरोपी तनवीर, करियर बनाने के लिए भागलपुर से पहले रांची पहुंची थी मानवी राज। नाम बदलकर तनवीर ने मानवी से की थी दोस्ती, तनवीर पर धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप, तनवीर ने कहा कि मुंबई आकर मारपीट की कोशिश भी की। यश मॉडलिंग एजेंसी के मालिक तनवीर ने मानवी के आरोपों को नकारा, मानवी पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप। मानवी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने दर्ज की 0 FIR, रजिस्टर पोस्ट से रांची भेजा गया। बीजेपी ने कहा कि अगर इस बार नहीं मिला न्याय तो सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के परभणी में मॉब लिंचिंग, भीड़ ने एक नाबालिग बच्चे को चोर समझकर मार डाला, 2 बच्चों को पुलिस ने बचा लिया। बकरी चोरी के शक में लोगों ने नाबालिग युवकों को बुरी तरह से पीटा, 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के गोंडा में शादी समारोह के दौरान लड़कियों से छेड़खानी पर भड़का गुस्सा, बारातियों और ग्रामीणों के बीच में जमकर मारपीट। बारातियों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, 1 युवती समेत 2 लोग जख्मी। इंदौर में नाबालिग युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाकर बलात्कार के विरोध करने पर चाकू मारा गया, आरोपी गिरफ्तार।